नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे इस समय। लास्ट वीक, ये जो लास्ट अभी करंट वीक निकला है, इसमें मैक्सिमम लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं। जिन्होंने भी कुछ ऐसे सेक्टर रहे जिसका मैं जिक्र अभी कर देता हूँ, पावर सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक थे सभी ने प्रॉफिट बना कर दिया है। अगर अभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और तो उसके चलते आप लोगों को अगर वो चीज़ पता होना चाहिए कि किस कंपनी में जांच चल रही है, किस कंपनी के ऊपर कुछ नोटिस है या नोटिस लगा हुआ है, तो उस चीज़ से आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके बारे में ज़रूर चेक भी करना चाहिए, जिससे हमेशा की तरह कभी ऐसा ना हो कि आप रेगुलर इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते जा रहे हो और उसके बाद में आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, फंस जाए या फिर डूब जाए। तो ऐसे ही इसी का पॉइंट को नोट आउट करते हुए ये वीडियो है आज की, और ये बहुत अहम वीडियो है और जरूरी वीडियो है। हर बार ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही वीडियो या कोई स्टॉक्स के बारे में बताया जाए, ये बताना भी जरूरी है कि कुछ कंपनियां मार्केट में एक्सचेंज में ऐसी भी लिस्टेड हैं जिनके ऊपर बीएससी जो सेबी है उसका इंटेलिजेंस, उसके ऊपर जांच का एक नोटिस आता है जब भी आप उसमें ट्रेड करते हैं बाइंग करने के लिए, तो नोटिस आता है कि आप पहले उसको चेक कर लें, उसके ऊपर ग्रीवेंस लगा हुआ है। तो समय रहते ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको पॉइंट आउट किया भी गया है और उस तरह की बहुत बड़ी एक लिस्ट भी आई है जो कि बीएससी और एनएससी ने एक लिस्ट बनाई है या लिस्ट बना के दी है जो भी ऐसे स्टॉक्स हैं, और उस स्टॉक को हम लोग उसको बोलेंगे जैसे ट्रेडिंग की बोलचाल में कि इलिक्विड स्टॉक्स उनको कहा जाता है, कि जिनके अंदर मोटेलिटी या मोबिलिटी कम होती है, जिसके अंदर बाइंग सेलिंग का चांसेस कम रहता है। कि आप देखते होंगे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मुझे आए हैं कि जिसमें लोग लिखते हैं कि सर बायर ही नहीं है, प्राइस अप या प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, कई दिन से डाला हुआ है, बाइंग नहीं हो रही है, या समटाइम की सेलिंग नहीं है या सेलर नहीं है, हम बाय करना चाहते हैं। तो अच्छा, उसमें जो जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, सबसे ज़्यादा नुकसान बैठता है, वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है, कि जो एक हमेशा हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम एक पैनी स्टॉक की तलाश में रहते हैं, जिसके चलते उस जाल में हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और उसका खामियाजा कभी कभी बहुत ज़्यादा या बहुत लंबे समय तक हमें वेट करना पड़ता है। अपने प्राइस के जिस प्राइस पे बाय किया है उसी सेम प्राइस पर भी अगर स्टॉक आ जाए, उसका प्राइस आ जाए, तो उसके बाद भी वो स्टॉक सेल नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो उसके चलते हम लोगों को हमेशा वेट करना पड़ता है, साथ के साथ लॉसेस की संभावना फुल बनी रहती है। बट अब सेबी ने बहुत ज़्यादा रूल टाइट किए हैं, इतना टाइट हुआ है कि हर कंपनी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ है जो भी इस तरह की इलिक्विड स्टॉक वाली कंपनियां हैं। तो दोनों एक्सचेंज ने मिलाकर के बीएससी ने और एनएससी ने अपने सर्कुलर में ट्रेडिंग मेंबर्स को इन सिक्योरिटीज में खुद या अपने ग्राहकों की ओर से ट्रेडिंग करने पर अतिरिक्त, यानी कि आपको, जैसा मैं हमेशा भी बोलता रहता हूं कि आप भी अपने लेवल पे एक बार कंपनी की जांच पड़ताल जरूर कर ले। तो ऐसी ही एक एडवाइस आप बीएससी और एनएससी की तरफ से भी सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को और या जो भी ट्रेड के इन्वेस्टर होते हैं उन सबको दी गई है। अगर आप शेयरों में किसी भी तरह के इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्मीनान से 5-7 मिनट की वीडियो होती है, आप समय निकाल करके एक बार जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो वैसे तो मैं समझता हूं कि ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का जो हित है उसका, एक तरह से अगर हिंदी में भी पूछ लेते, उसके हित की रक्षा करने के लिए ये एक अच्छी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि प्रमुख जो शेयर बाजार है वो मेन रूप से हमारे इंडिया में दो ही चलता है, बीएससी और एनएससी। तो बीएससी और एनएससी ने अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को 300 से ज़्यादा इनलिक्विड शेयर्स के बारे में, इनलिक्विड स्टॉक के बारे में ट्रेड करते समय एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा सावधान रहने के लिए कहा है। दोनों एक्सचेंज ने अपने सर्कुलर में ट्रेडिंग मेंबर्स को इनसिक्योरिटी में, या तो खुद या अपने कस्टमर की तरफ से भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, समटाइम्स आप किसी थर्ड पर्सन से ट्रेड कराते हैं, तो उसके साथ साथ कि भाई आप इसकी पर्सनल लेवल पर भी उसको कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जान लें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और मैं आपको अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बता देता हूँ कि ये इलिक्विड स्टॉक आखिर होते क्या है। इलिक्विड स्टॉक वो शेयर होते हैं जिन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, इलिक्विड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनको आप आसानी से बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड ट्रेडिंग होती है और ये शेयर इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि अक्सर
जब कारोबार वाले जो शेयर की तुलना में जो जिसका ट्रेडिंग ज्यादा होता है उसकी अगर आप कंपेरिजन में देखेंगे तो इनके लिए बायर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और इन शेयरों में निवेश करने पर आपका पैसा फंस सकता है या डूब सकता है। तो इस तरह के स्टॉक को ही इलिक्विड स्टॉक कहते हैं, जिसमें आप अपना स्टॉक बेचते समय आपको बहुत परेशानी होने वाली होती है, तो या बायर उसमें नहीं मिलता है, तो उसी को आप इलिक्विड स्टॉक कहते हैं। इन कंपनियों में पैसा हमेशा संभल कर लगाना चाहिए, और अपना जो भी आपके फाइनेंस के एडवाइजर हैं तो उनसे सलाह जरूर लें। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, बीएससी और एनएससी ने, जैसे बीएससी की करीब करीब 300 और एनएससी ने 13 इलिक्विड स्टॉक को लिस्ट किया है। जहां पर आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, तो बीएससी द्वारा लिस्टेड जो कंपनियां हैं इलिक्विड स्कीम जो लिस्ट है, तो उसमें मैं आपको एक एक करके कंपनी के नाम भी शेयर कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा, आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि उस तरह की कंपनी से आप बचे रहें। कंपनी का नाम, एक कंपनी है गरवारे मैरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो गरवारे मैरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी है, और इस कंपनी से आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा इसमें सलाह बनती है कि आप इससे दूर रहें, या अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी उस पर और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही इसके स्टॉक में बाइंग का प्लान करें। ऐसी एक कंपनी और है, उसका नाम है मैपकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड। मैपकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड है। इसके बाद एक और मैं बता देता हूँ, एकम लीजिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, एकम एकम लीजिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और उस नेक्स्ट इज मारुति सिक्योरिटीज लिमिटेड, बैंगलोर फोर्ट फार्म लिमिटेड, बैंगलोर फोर्ट फार्म्स लिमिटेड, गुजरात इन्वेस्टर लिमिटेड, गुजरात इन्वेस्टर लिमिटेड है, गोलेचा ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड, मुनोथ फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इंडो एशिया फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो उस लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह की कंपनियों से आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, आप उसमें एक्स्ट्रा स्टडी करके तभी आगे बढ़े। अब कुछ स्टॉक मैं आपको ऐसे शेयर कर देता हूँ जिसमें आप एनएससी ने जो 13 कंपनी के स्टॉक बताए हैं जिसके बारे में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। बहुत अच्छा नाम चल रहा है आजकल उस कंपनी का, एक का स्टॉक है, उस कंपनी का नाम है बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बीकेएम का स्टॉक वैसे अगर आप देखें तो लास्ट वीक से करीब करीब 10% की तेजी में है, और आज भी सेम डे की बात करें तो आज भी करीब करीब मेरी 5.5% की तेजी देखी गई है उस स्टॉक में। तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्टॉक में तेजी नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, बट उस पर ग्रीवेंस लगा हुआ है, सर्विलांस पे है कंपनी, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। सेम कहानी वही है कि उसके अंदर भी आपको बेचते समय बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा इनके ऊपर सर्विलांस चल रहा है। तो उसमें बीकेएम इंडस्ट्रीज का नाम भी शामिल है, हालांकि पिछले 1 महीने से बीकेएम इंडस्ट्रीज के शेयर में थोड़ा उछाल देखने को मिला भी है। एक कंपनी है बीएसईएल इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी, और बहुत ही नामी कंपनी रही है। इसके अलावा क्रिएटिव आई, फिल्मी दुनिया के जो सीरियल वगैरह बनते हैं क्रिएटिव आई, तो इसमें भी सर्विलांस लगा हुआ है। एक है यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट, नेक्स्ट इज ग्रैंड फाउंड्री, और नेक्स्ट इज गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग, ये कंपनी है। जीटीएन टेक्सटाइल है, होटल इंडस्ट्री की कंपनी है रग्बी, तो होटल रग्बी पर भी सर्विलांस है। और इसके अलावा है कौशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेक्स्ट वन इज नागरिका कैपिटल स्ट्रक्चर, और नॉर्वेन टी एक्सपोर्ट, न्यून टावर, टीसीआई फाइनेंस, इस तरह की कंपनियां एनईसी की लिस्ट में शामिल हैं। अब एक्सचेंज के सर्कुलर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज का जो सर्कुलर है 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के जो फेज है उसके दौरान अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी के आधार पर ये स्टॉक 12 अप्रैल 2021 से पीरियोडिक कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म में ट्रेड किए जाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी जो है कि एडवाइस के हिसाब से भी पीरियोडिक कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म ने सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने का अब तय किया है, और स्टॉक के जो एक्सचेंज में समान रूप से अब लागू कर दिया गया है। तो ये लगातार इस तरह की सर्विलांस बनी रहेगी इन कंपनियों पर, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को बचाया जा सके, उसके इन्वेस्टमेंट को बचाया जा सके। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं, और भी लिस्ट बहुत लंबी है, सारी लिस्ट बताना मुश्किल नहीं है, बट आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब भी मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन सी कंपनी उसमें आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी स्टॉक पर, स्पेशल स्टॉक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए लिख सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उससे लिख सकते हैं। और खास तौर में एक मेरी पर्सनल आप लोगों से सलाह है या एडवाइस है जो फ्री में है, बट
पैनी स्टॉक के, जब भी आप पैनी स्टॉक का चुनाव करते हैं, कोई भी पैनी स्टॉक है जो कि कुछ पैसे से स्टार्ट होकर के अगर ये 10 रुपए के बीच का भी कोई स्टॉक बनता है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप एक नहीं 10 बार पहले अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि इसकी स्टडी या उसका एनालिसिस पर्सनल लेवल पर भी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो अगर आप एक बार फंस जाते हैं और उस तरह के आप इलिक्विड स्टॉक का शिकार हो जाते हैं, तो भी आपको बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।